अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पहला दिन आई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, कुछ मुझे कहते हैं कि इंट्रो जो है ना आप बहुत लंबा काट देती हैं। वाकई में लंबा होता है या कि नहीं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपने ज़रूर लाइक शेयर कर देना है। और आज शाम की रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैं स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ मिये की फरमाइश पे, करेले और चिकन की। तो देखते हैं आज की अफ्तारी में जो करेले चिकन है वो आपको पसंद आएगा और आप मेरे साथ साथ रहना है। अच्छा जी, सारी मैंने कटिंग कर ली है क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। मैं गई हुई थी दूसरी वीडियो बनाने के लिए, राशन मददगार की, जो कि मैं राशन देने गई थी। लेकिन मेरे आपके ही बच्चों ने और बहू ने ना सारी तैयारी करके रख दी है। ये देखिए कटिंग वगैरह उन्होंने काट दी है। करेले मैंने आपको दिखाने के, लेकिन इंशाल्लाह ठीक कभी से ही। ये देखिए माशाल्लाह बड़े अच्छे से कटिंग वगैरह हो गई है, सारी तैयारी हो गई है। अभी तैयारी गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ है, साथ में मैंने रखा हुआ है दूध गर्म करने के लिए क्योंकि दही लगाने के लिए। तो ये इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है ना मेरी आपको पसंद आ जाएगी। ये देखिए सबसे पहले करेले डालते हैं, इनको अच्छी तरह फ्राई कर देते हैं। अच्छा जी, ये फ्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो दही मैंने इतनी सी लगा दी है, सुबह लस्सी बनानी है क्योंकि सारे बच्चे नहीं पीते, इसलिए मैंने थोड़ी सी लगा दी। करेले जो है ना अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और इनको निकाल लेते हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लें, ये ना हो कि अफ्तारी के टाइम मियां साहब जो है ना आज मुझे डांट दी कि मैंने आज को आपको आज 8 साल बाद एक रेसिपी बोल दी है वो भी नहीं आप बना पाई। तो अभी आप देखें जी ये कितने थे और कितने हो गए हैं। इसी के साथ ही डाल देते हैं प्याज, साथ में मैंने बनाई हैं जी रंगीन सवैयां, कस्टर्ड सवैयां, रंगीन सवैयां कस्टर्ड वाली। ये देखिए ये भी तैयार है। पता नहीं आपको कैमरे में किस तरह की नज़र आ रही होगी, मुझे तो अच्छी जा रही है। अभी इसको भी शो करती हूँ और इसकी गार्निश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे प्याज जो है ना हमारा बस फ्राई हो गया है, साथ में इसके डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च। सिंपल सी रेसिपी है और मज़ेदार इतनी होती है ना। कितने दिनों से मेरे मियाँ साहब ने शोर डाला हुआ था, बनाओ 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 करने का, इसलिए बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी लेकिन वो पूरी नहीं थी आपके साथ शेयर की क्योंकि उस टाइम जो है रमज़ान में ना तारीख का टाइम हो गया था, इसलिए पूरी जो है ना आपके साथ नहीं थी शेयर पाई कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलिए आज जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये प्याज टमाटर और हरी मिर्चें जो है अच्छी तरह फ्राई हो गई थी, मैंने साथ ही डाल देते हैं इसके अंदर चिकन। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करते हैं। ये देखिए मसाले मैंने अच्छी तरह तैयार करके रख लिए हैं। एक चम्मच मैंने डाला है सूरज मिर्च, आधी चम्मच मैंने डाली है काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मेरे पास है गरम मसाला। इनको अच्छी तरह जो है ना मिक्स करके फ्राई करते हैं और इसके साथ ये जी। किसी ने मुझे बोला था तो बड़ा ले लिया था यार किचन में ना, कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर ना सही ना कंट्रोल नहीं होते। इतना खड़का ना
करेले पा रही है। हाँ जी, करेले मैंने डाल दिए हैं, ये देखें जी, दोनों चीजें अच्छी तरह फ्राई हो गई थी। ये भी आ गया धनिया, दो मिनट के लिए इसको कवर करके रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी इसको अच्छी तरह बनाई करके डिश आउट करेंगे। फिर आप सांभर बना लो। देखिए जी, माशाल्लाह चिकन करेले हमारे तैयार हैं। आइए इसकी डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये एक मैश प्याज में हमने बना दिया है डिश, बहुत ही मजेदार। करेले ते चिकन बना दे, उन्हें करेले ते चिकन बड़ा वधिया बनाया है, जिन्हें मेरे भैन भरा खाना है, आज और आगे खाइए। सौ बिस्मिल्लाह जी। बेगम साहब रोटियां बना रही है, रोजे खुल गए ने, बाद ही खावांगे। पहले आज दो ताली सेवियां बनाई रंगील, सेवियां तो बाद करेले चिकन खावांगे। ऐसे जा रहे हैं आप, बच्चे सारे बैठे ने, बच्चे आने का भी खाना है। प्लेटा रेडियां ने बढ़िया लै लिया, ये चावल बनाए ने, ये कादे हाथ प्लेटा आईया ने रोटियां वास्ते। रोटियां? हाँ जी। ऐले बेच रहा है ब्लॉक कितने में? सारे बर्तन लै चले आ, बेगम ने उन्हें धो के फिर रोटी खाई। बेगम आज कल बड़ी वेली रही है मेरे अगर, मैं वेला तो देलो वेली। तो प्याना दिन ये देखे जी, मैंने भी खाना खा लिया, मियाँ साहब ने भी खा लिया। अच्छा जी, मियाँ साहब से पूछते हैं कि आज के जो मैंने उनके लिए रेसिपी बनाई है किस तरह की बनी है। स्पेशल रेसिपी मियाँ की फरमाइश भी आज आपने बनाई है जी, चिकन करेले। तो बताइए जी किस तरह की बनी थी? मैं बाहर भी बनाता रहा, मेरे को इन चीजा नहीं बनिया। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छी बनी है, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत मजे की बनी है। तो चीज बनाए तो बड़ी वधिया बनानी। सच में वाकई में बहुत ही मजे की बनी थी। तो पहला जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको मेरी पसंद आई होगी, रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज बच्चों ने सब कुछ बनाया था, घर में मैं नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी, इसलिए आज छोटी सी इफ्तारी हमारी जो है स्पेशल रेसिपी के साथ।